एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार। फ्रेंड्स, निफ्टी 26 जनवरी यानी आज कहां काम कर सकती है, आज हम समझते हैं। देखिए, हमने यहां पर हम डेली चार्ट पर देखते हैं। डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं ये दोनों पूरा का पूरा नेगेटिव है, और यहां पर ऑलरेडी अपना जो सपोर्ट लेवल था 19,240-50 के पास, जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। अब क्या है, अब हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमें समझने की जरूरत है। ये जो एरिया है, ये एरिया एक सपोर्ट बन सकता है, और ये एरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। उस एरिया, ये जो मेन आपका सपोर्ट है, वहीं पर हम कुछ काम कर सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये जो बेसिक एरिया आपका बन रहा है 18,897 और 890 के आसपास, तो यहां से बिल्कुल पूरा का पूरा उम्मीद है कि ये कम से कम यहां पर आकर सपोर्ट ले आज के डेट में। और ये हम आज होते हुए देख सकते हैं, तो 18,890 और 97 के पास डेली चार्ट पर तो यही कह रहा है। लेकिन किसी कारण बस मान लीजिए कि मार्केट, आज हम थोड़ा छोटा इसको करके देख लेते हैं, जैसे 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर क्या कह रहा है, मार्केट कंटिन्यूस डाउन 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 है, लेकिन कल थोड़ा सा लास्ट में पुल बैक करने की कोशिश की। अगर मार्केट फिर से यहीं पर, ध्यान देना, अगर मार्केट फिर से गैप अप ना खुल के यही फ्लैट खुल जाता है, और फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा देर आपको टाइम बिताता है, तो हमें क्या कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर खुला और अपना ये टाइम थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, तो फिर हम इसके नीचे, कल के जो लोएस्ट के नीचे है, अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, तो हम सीधे के सीधे यहाँ पर पुट ऑप्शंस लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कॉल के नहीं सोचेंगे, और फिर हमारा जो टारगेट है वही 18,890-18,895 के पास पूरे के पूरे आने की कोशिश मार्केट कर सकता है। अगर यहाँ से थोड़ा सा गैप अप खुला, आज का ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से खोला और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो मैक्सिमम हम कहाँ तक देख सकते हैं, ये जो एरिया है, ये जो आपका स्विंग बना है, इस एरिया को हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस एरिया को अगर आप देखना चाहें तो क्या हो सकता है, ये देखिए 349-350, यानी अगर मार्केट कभी भी किसी भी हालत में, जैसे ये आपको आया ये और ये करके यहाँ तक आता है, 300 के पास तक भी अगर मार्केट आता है, तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा पुट ही सोचेंगे, कॉल नहीं सोचेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई आप चाहें तो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की जगह कि तुरंत मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर और नीचे गिरा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कॉल पे थोड़ा ध्यान कम देना है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रीमियम जल्दी से खा जाएंगे। तो वहाँ पर ये ध्यान ना दे के हमें ये ध्यान देना है कि अगर मार्केट इसके नीचे कहीं भी मिलता है, तो हम यहाँ पर अपना नीचे के टारगेट को सोचें, और हमारा 18,890 के पास एक तुरंत आपको टारगेट मिले।